हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखंड और आप देख रहे हैं टेक्निकल एपीएस। आइए फिर स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का ये थर्ड वीडियो है। अगर अब मैं आपको याद दिला दूं, पहला वीडियो जो हमारा था दैट वाज अबाउट माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, मैंने डेस्कटॉप पे बताया था। दूसरा जो मैंने वीडियो बनाया है वो मैंने मोबाइल यूजर्स के बनाया है, जो जिसके पास मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज कर रहा है उसके लिए है। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत सारी जब टीम्स को हम यूज कर रहे हैं फोन के ऊपर, तो मैंने फोन के ऊपर भी बनाया और आपको सारे फीचर्स उसके बारे में बताया। बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि मोबाइल पे कैसे क्लासेस आप क्रिएट करोगे, कैसे कोड से आप ज्वाइन कर सकते हो, कैसे बच्चों को आप ऐड करोगे, कैसे मीटिंग शेड्यूल करेंगे। ठीक है, तो उस पर हम लेटर ऑन और भी वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम और भी चीजें देखेंगे कि असाइनमेंट वगैरह भी मोबाइल से आप कैसे करोगे। तो आज का वीडियो जो है वो वीडियो नंबर थर्ड है, जिसमें हम फिर से डेस्कटॉप वर्जन के ऊपर देखेंगे कि असाइनमेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं। उससे पहले हम ये देखेंगे, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि हम अपना कोई क्लास के अंदर कोई वीडियो शेयर करना चाहें, कोई वीडियो या कोई कंटेंट डालना चाहें, तो वो कहाँ डालेंगे, कैसे फोल्डर क्रिएट करेंगे क्लास के अंदर, कैसे अपना कंटेंट अपलोड करेंगे। ठीक है, और असाइनमेंट्स को कैसे असाइन करेंगे, कैसे पता चलेगा कि जो है असाइनमेंट असाइंड हो गया है, ये सारी चीजें। और उसके अलावा मैं ये भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि एक लाइव मीटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो एम टीम्स में हम कैसे एक लाइव मीटिंग को करते हैं और कैसे वहाँ पे क्या क्या फीचर्स आते हैं, कैसे म्यूट कर सकते हैं, कैसे लोगों को अटेंडी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन अपनी शेयर करने जा रहा हूँ। सो ये रहा आपके सामने स्क्रीन, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो आई होप आप सबको ये स्क्रीन विजिबल हो गई होगी, तो इसको टैप कर लेते हैं एक बार, थोड़ा डाउन कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं वापस वहीं से जहाँ से स्टार्ट किया था, एम टीम से। तो ये लॉगिन है मेरा ऑलरेडी। मैं पिछले वीडियो में, अगर जिसने नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो नंबर वन को आप देखिएगा, उसके बाद वीडियो नंबर थर्ड को देखिएगा, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कैसे ये किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। तो उसके आगे प्रोसीड करते हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है, टीम्स में लॉगिन कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, पिछली बार मैंने एक यहाँ पे टीम क्रिएट की थी, तो हम उसी पे चलते हैं। लास्ट वाले टाइम पे मैंने एक डेमो करके यहाँ पे क्लास क्रिएट किया था, इसी डेमो क्लास के अंदर ही चलते हैं। इस पर डबल क्लिक कर लिया हमने, तो जैसे ही डबल क्लिक करेंगे हम, ये क्लास ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो वंस ये क्लास स्टार्ट हो जाए, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक मीटिंग ऑलरेडी शेड्यूल कर रखी है। ठीक है, तो ये 23rd की मीटिंग एक शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। मीटिंग के अंदर के जो ऑप्शंस होते हैं, सबसे पहले उसको देख लेते हैं कि अगर हमने मीटिंग शेड्यूल कर रखी है ऑलरेडी, तो उस मीटिंग को कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे उसके आगे के फीचर्स को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इस पर जब भी आपको मीटिंग शेड्यूल्ड है आपके क्लास के अंदर, तो देखिए यहाँ कॉर्नर पर ये 3 डॉट्स आते हैं। ठीक है, तो ये मीटिंग शेड्यूल्ड है, अगर इस 3 डॉट्स पे आप जाओगे तो यहाँ पर मीटिंग ऑप्शंस के लिए आपको एक लिंक आ जाएगा, एक टैब खुल करके आ जाएगा। उस पर अगर आप क्लिक करोगे, ठीक है, क्लियर, तो ये देखिए आ गया। यहां से आप मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये मीटिंग सपोज मुझे अभी स्टार्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे ज्वाइन वाले बटन पे आप क्लिक करूंगा, ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। ठीक है, लेकिन मीटिंग स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले अपने ब्राउजर में जाना है। ठीक है, तो मीटिंग ऑप्शन में हम जाएंगे, क्योंकि मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज याद रखना है कि अगर आप ये चाहते हो कि मीटिंग में जो भी लोग आपके बाद आए, जितने भी लोग क्लास में ज्वाइन करें, जैसे कि अगर आपके स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो एज अ अटेंडी ज्वाइन करें। अब अटेंडी ज्वाइन करना क्यों जरूरी है, अगर आपने अटेंडी नहीं बनाया मीटिंग ज्वाइन करने से पहले या स्टार्ट करने से पहले, तो होगा क्या, बच्चे बाय डिफॉल्ट एज अ प्रेजेंटर ऐड हो जाएंगे। तो जब वो प्रेजेंटर ऐड हो जाएंगे, तो उनके पास पावर होगी दूसरे बच्चों को क्लास से बाहर कर देने की, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं तो लोग क्या करेंगे, आपकी मीटिंग को डिस्टर्ब करने के लिए वो एक दूसरे को बाहर कर देंगे, कि कोई किसी को म्यूट कर देगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। दैट इज वाई आई विल रिकमेंड कि जब भी आप मीटिंग स्टार्ट करें, उससे पहले ये मीटिंग वाला ऑप्शन आएगा, जैसे मैंने अभी स्टेप्स में बताया है कि आप वहां पर 3 डॉट्स पे जाएंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे, ये खुल करके आएगा। यहाँ पर ये देखिए मीटिंग ऑप्शंस लिख करके आएगा, जहाँ पे मेरा एरो ये कर्सर घूम रहा है, यहाँ पर आप मीटिंग ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आपको ले जाएगा ब्राउजर में। ठीक है, जब भी आप क्लिक करेंगे तो ब्राउजर में लेकर जाएगा। अब आपको ब्राउजर में क्या करना है, अब एक बार ये ओपन हो जाए तो आपको ब्राउजर में लॉग इन करना है। ठीक है, तो ये देखिए आप
ब्राउजर पे आ चुके हैं। ब्राउजर पे जब भी आप आएंगे तो वो इस तरीके से खुल करके आ जाएगा, आपका जो भी आईडी है लॉग इन करने के लिए आपसे कहेगा। देखिए मैं ऑलरेडी लॉग इन कई बार कर चुका हूँ तो आपको सजेस्ट करेगा, जो नहीं होगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है यूज अनदर अकाउंट। अगर इनमें से कोई अकाउंट नहीं है आपका जो बना हुआ है ऑलरेडी, तो आप नया क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नया क्रिएट करने का मतलब ये है कि सपोज ये दो आईडी वो नहीं है जो आपकी स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन ने आपको दिया है, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो फिर से आपको यूजर आईडी डालने को कहेगा। ऑल दो मेरे में ये देखिए दो यूजर आईडी हैं, ये वाला वो आईडी है जिसके थ्रू मैं अभी वो मीटिंग के ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा था। मैंने इस पर क्लिक किया, फिर मैं क्या करूंगा, टैप करके यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा अपना, जो भी इसका पासवर्ड है। ठीक है, जैसे मैं पासवर्ड डाल दूंगा मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा। बाय डिफॉल्ट मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप एक बार इसमें लॉग इन करके फिर ब्राउजर में छोड़ दीजिए, अगर ये आपका अपना पर्सनल सिस्टम है तो लॉग इन करके छोड़ दीजिए, लॉग आउट मत करिएगा। उससे क्या होगा कि बार बार आपको लॉग इन करने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ये देखिए कुछ प्रॉब्लम आ गया, रीलोड द पेज और इफ दिस हैपेंस ट्राई इट अगेन। तो मैं एक बार रीलोड कर देता हूँ पेज को, नहीं भी कुछ सर्वर के एंड से प्रॉब्लम आ गई हो, कभी कभी समथिंग वेंट रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए जैसे ही हम लॉग इन कर लेंगे, ये देखिए आ गया सेम वही, ये देखिए यहाँ पर जो टॉपिक दिया हुआ है और इससे मैच कर लीजिएगा। ये देखिए टॉपिक जो आपने दे रखा था अपने मीटिंग में, या मीटिंग ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे आप लॉगिन कर लेंगे तो आप बाय डिफॉल्ट ब्राउजर में लॉगिन होकर के ब्राउजर में सेम टॉपिक दिखाई देगा। हमेशा इस चीज को एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, डेट वेरीफाई कर लीजिएगा, टाइम वेरीफाई कर लीजिएगा। इसमें देखिए कई सारे ऑप्शन आते हैं, हु कैन बाईपास द लॉबी, ये एज इट इज सेलेक्टेड रहने दीजिएगा, पीपल इन माई ऑर्गेनाइजेशन, ऑलवेज लेट कॉलर बाईपास द लॉबी, नहीं कॉलर्स को बाईपास नहीं करने देना है लॉबी को, नो पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, देन आ गया अनाउंस व्हेन कॉलर्स ज्वाइन और लीव, यस पे टिक कर दीजिएगा। हु कैन प्रेजेंट, अब ये याद रखिएगा यही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, हु कैन प्रेजेंट, इसी को आपको फोकस करना है। यहां पर आकर के एवरीवन की जगह पर करना होगा, सिर्फ लास्ट वाला ऑप्शन आपको करना है, ओनली मी सेलेक्ट करना है। याद रखिएगा हु कैन प्रेजेंट, ओनली मी मतलब प्रेजेंटर सिर्फ मैं ही हो सकता हूँ इसका मतलब है। तो ओनली मी को सिलेक्ट करके आप सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे डन लिख करके आ जाएगा। डन लिख करके आ गया, आपका काम खत्म हो गया है। ठीक है, अब आप इस मीटिंग को छोड़ सकते हैं। याद रखिएगा ये मीटिंग जब भी आप बच्चों को असाइन कर रहे हैं, एक बार क्लास के बॉल पे आ गया तो इस सेटिंग में जाकर के ये ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी कोई आपके क्लास में ज्वाइन करे तो वो एज अटेंडिंग ज्वाइन करे, वो क्लास को डिस्टर्ब ना कर सके। अब आगे प्रोसीड करते हैं सेकेंड स्टेप पे, कि मीटिंग को ज्वाइन कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ ऊपर ज्वाइन वाला बटन बना हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी इस ज्वाइन वाले बटन पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो दो ऑप्शन है, आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप कैलेंडर से भी जाके ज्वाइन कर सकते थे। जैसे ही आप ज्वाइन पे क्लिक करोगे तो अभी आपकी मीटिंग के लिए कॉल असाइन हो गया। ये देखिए यहाँ पर जैसे ही असाइन हो जाएगा यहाँ पर लिख करके आएगा ज्वाइन नाउ, स्क्रीन पे इस पर आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करोगे और ये कनेक्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और ये बाय डिफॉल्ट कनेक्ट कर देगा आपको आपके सिस्टम से। ये देखिए अब आप लाइव हो गए, क्लास के अंदर आ गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये स्क्रीन पर एक बार बन करके आ जाएगा जिसपे सबसे पहला टाइम चल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको टाइम ड्यूरेशन दिखा रहा होगा। उसके अलावा ये देखिए यहाँ पर कैमरा वाला है, तो बाय डिफॉल्ट मेरा कैमरा इसका टर्न ऑफ है, आप इसको ऑन करके रखेंगे। ये म्यूट वाला है, अगर आप सपोज बीच में कुछ रिंग या कुछ क्लास में कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है बीच में, आप सपोज म्यूट होना चाहते हो, अभी आप नहीं बोलना चाह रहे हो तो आप इसको म्यूट कर दीजिए। ठीक है, म्यूट या अनम्यूट, दो बार आप एक बार प्रेस करेंगे अनम्यूट हो जाएगा, फिर प्रेस करेंगे म्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसके बगल में ये एक बॉक्स बन करके एरो अपसाइड एरो का जो साइन है, ये शेयर करने के लिए, अगर आप कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं तो आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे शेयर पे तो स्क्रीन शेयर हो जाएगी। ये देखिए इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आपको कई सारी ऑप्शन देगा, पहला तो पूरा का पूरा डेस्कटॉप शेयर करने का ऑप्शन देगा, एक कोई मीटिंग चल रही है उसको शेयर करने का ऑप्शन देगा, एक टीम्स को, और बहुत सारे ऑप्शंस आपको वो शो करेगा। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा इसमें एक ऊपर ऑप्शन आता है इंक्लूड सिस्टम ऑडियो, मतलब कि सपोज अगर आपने सिस्टम का ये डेस्कटॉप शेयर कर दिया और आप अपने सिस्टम पे कोई वीडियो चला रहे हो या ऑडियो चला रहे हो, उसकी आवाज आए, अगर आप चाहते हो कि स्क्रीन शेयर के साथ साथ स्क्रीन पे जो चल रहा है उसकी भी आवाज आए, तो आपको ये इंक्लूड करना पड़ेगा सिस्टम का ऑडियो भी। तो आप इंक्लूड करेंगे सिस्टम का ऑडियो, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे फिर इस पे टैप करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक वीडियो मतलब ऑलरेडी एक मीटिंग चल रही है, दैट इज वाई ये स्विच पे नहीं कर रहा है, स्विच नहीं कर रहा ऑडियो को, आप इसको सेलेक्ट करके फिर उसको सेलेक्ट करेंगे ताकि वो स्क्रीन को शेयर कर सके। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन आता है वो यहाँ पर थ्री डॉट्स दिखाई देते हैं इसके बगल में, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें कई सारे ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला आता है शो डिवाइस सेट,
सेटिंग्स। तो सबसे पहले आपको यहाँ चले जाना है, अगर आपके वीडियो में या ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर शो डिवाइस सेटिंग्स पे जाएंगे, ठीक है, और आप अपना पर्टिकुलर ऑडियो डिवाइस सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे माइक या हेडफोन अगर आप यूज कर रहे हैं पीसी का तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके अलावा अगर आप कुछ और यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ से आप देख लीजिए पीसी माइक एंड स्पीकर्स आ रहा है, या फिर कस्टम कोई सेटअप करना चाहते हैं बाय डिफॉल्ट आप इसी को रहने दीजिएगा, मेरा रिकमेंडेशन है पीसी माइक या हेडफोन्स, बिकॉज इससे ही क्लियरिटी रहती है। ज्यादातर लोग हेडफोन या पीसी मतलब जो कंप्यूटर का माइक होता है इसमें माइक लगा होता है जैसे आपके फोन में लगा होता है, तो वो आपकी आवाज को कैप्चर करता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, और बोलने वाला या सुनने वाला जो है ये कंप्यूटर के ही या सिस्टम के ही स्पीकर को रहने दीजिएगा, इससे आपके लिए बेटर हो जाएगा, इसको समझना, ठीक है। तो आप डिवाइस सेटिंग्स जब आप सेट कर लें तो आप इसको बंद कर सकते हैं, कैमरा को भी आप चेक कर सकते हैं, आपके यहाँ जो कैमरा है वो वाला उसको अलाउ कर सकते हैं आप। इसके अलावा इस सेटिंग्स में और कुछ छेड़छाड़ मत करिएगा, वॉल्यूम का आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ये देखो मैंने बिल्कुल बंद कर रखा था, आप इसको फुल कम ज्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है, इसको आप बंद कर देंगे, ठीक है। देन आपके पास जो दूसरा ऑप्शन आएगा वो आएगा एंटर फुल स्क्रीन, तो एंटर फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका टीम्स है ये पूरे फुल स्क्रीन पे जो वीडियो है फुल स्क्रीन पे चलने लगेगा। थर्ड ऑप्शन आता है टर्न ऑन लाइव कैप्शन, इसको आप छोड़ दीजिएगा अभी इसकी बात नहीं करेंगे हम। कीबोर्ड अगर आप लाइव यहाँ पे कीबोर्ड चाहते हो ऑन स्क्रीन तो कीबोर्ड पे क्लिक करोगे तो ये देखिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ जाएगा, कुछ नंबरिंग टाइप करके आप बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि ये 1 2 3 ऐसा कुछ करके कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है, हटाना हो क्रॉस कर देंगे फिर वापस इसी पे जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन, अब जो इम्पोर्टेंट एक ऑप्शन है, एक बहुत ज्यादा बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि इस सेशन को क्या हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कि कोई अटेंड नहीं कर पा रहा और ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा मीटिंग आपके लिए, या क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसी क्लास में जो पढ़ा रहे हैं आप यही आप मल्टीपल क्लास में इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पर एक ऑप्शन आने लगता है रिकॉर्ड होने का, ठीक है, इसको डिसमिस पे क्लिक कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट ये देखिए ये जो रेड डॉट बन जाता है जब भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी तो ये देखिए यहाँ पर ये रेड डॉट टाइम के जस्ट बगल में एक रेड डॉट आ जाएगा, ये देखिए लिखा हुआ है कंट प्रताप सिंह स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, देखिए टैप करने पे ये देखिए छोटा सा लिख के आ रहा है स्टार्ट, तो इसका मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। दूसरा तरीका क्या है पता करने का कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई कि नहीं, दूसरा तरीका फिर से 3 डॉट्स पे जाएंगे तो अब देखिए स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा, पहले स्टार्ट का आ रहा था अब स्टॉप का आ रहा है, स्टॉप का तभी आएगा जब स्टार्टेड हो चुका है, ठीक है, तो अगर आप स्टॉप करना चाहें तो स्टॉप पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप स्टॉप करेंगे तो जो भी अभी तक हुआ है ये सब कुछ जैसे ही आप एंड करेंगे इसके चैट बॉक्स में और आपके इस क्लास के वॉल पे अपने आप आ जाएगा, वो मैं लास्ट में दिखा दूंगा कि रिकॉर्डिंग कहाँ गई है, वॉल पे अपने आप ड्रॉप हो जाएगा, इस क्लास में जो भी लोग हैं वो बाद में कभी भी उसको देख सकते हैं, जब तक कि खुद ओनर उस वीडियो को ना डिलीट करे तब तक वो वीडियो वहीं पर रहता है, ठीक है। इसके अलावा रेज हैंड का ऑप्शन है, ये आपके पास भी होगा ऐसे ही सभी के बच्चों के भी और आपके टीम के लोगों के पास भी, रेज हैंड का मतलब ये है कि सपोज आपने सबको म्यूट कर दिया है बाय डिफॉल्ट तो वो हाथ उठा करके आपसे कुछ क्वेश्चन जैसे क्लास में या किसी मीटिंग में लोग हैंड्स रेज करते हैं तो वो रेज कर सकता है हैंड, आप फिर आप वीडियो में आप रुक करके उससे पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और उसकी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है दैट इज शो कन्वर्सेशन, तो अगर आप चैटिंग कर रहे हैं तो यहाँ कन्वर्सेशन आप देख सकते हैं, एक दूसरे से चैट कर सकते हैं, यहाँ देखिए कुछ भी लिख सकते हैं, आपने लिख दिया हेलो क्लास नाउ वी विल स्टार्ट, आपने क्लिक कर दिया ये देखिए और ये सेंड हो गया, ये देखिए टाइम के अकॉर्डिंग वो सेंड हो जाएगा चैट। आप बाकी लोग भी क्या बात कर रहे हैं, आपसे कोई कुछ पूछना चाहता है, आपने बाकी को म्यूट कर रखा है तो आप यहाँ पे लोग चैट में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। दोबारा आप इस पर क्लिक कर देंगे ऑप्शन चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे आता है ये देखिए दो ह्यूमन बींग्स टाइप का बना हुआ ऑप्शन होता है, इसको शो पार्टिसिपेंट कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने इस मीटिंग को ज्वाइन किया है, जैसे ये देखिए मैंने ज्वाइन कर रखा और ये सजेस्ट कर रहा है। उसके अलावा आप इनवाइट कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ से भी, एक इनवाइट करने का तरीका यहाँ है कि आप यहाँ से नाम लिखिए, सपोज मैंने लिखा वर्तिका तो ये बाय डिफॉल्ट मैंने बताया था कि डेटाबेस ऑलरेडी मेंटेन्ड होता है, आप यहाँ से सेलेक्ट करके जैसे ही आप मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो ऑल उसके पास एक कॉल जाने लगेगी, ठीक है, जैसे कि आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल वगैरह करते हो या कहीं वीडियो कॉल करते हो तो जाती है, वैसे ही वीडियो कॉल का ऑप्शन जाने लगेगा। अगर वहां पे वो ओके वाली बटन को प्रेस करता है तो अपने आप आपकी मीटिंग में आ जाएगा, ठीक है। देखिए आपके नाम के आगे ऑर्गेनाइजर दिखा रहा है, आप ऑर्गेनाइजर हैं, आप ही इसके एडमिन हैं और बाकी जो भी ज्वाइन करेंगे लोग वो सब कुछ अटेंडी में ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर एक लिस्ट दिखाएगी, ठीक है। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट और इसके डिटेल्स मैं थोड़ा बाद में एक बार शेयर कर दूंगा आपसे जब मैं लाइव क्लास में होऊंगा, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा ये देखिए पीपल लिखा होता है इसके ऊपर, यहाँ 3 डॉट्स का भी एक ऑप्शन होता है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है डाउनलोड अटेंडेंस लिस्ट।
जब लोग आपके सारे एक बार आ जाएं, ठीक है, तो क्लास को मेंटेन करने का तरीका क्या है, जो मेरा तरीका है, मैं कोई मीटिंग या कोई चीज लेता हूं तो मैं क्या करता हूं कि एक बार स्टार्टिंग में डाउनलोड करता हूं अटेंडेंस शीट, एक बार रैंडमली मीटिंग के बीच में कर लेता हूं और एक बार लास्ट में कर लेता हूं। उससे क्या होता है कि मैं बाद में वेरीफाई कर लेता हूं कि कितने लोग हैं जो एक्चुअली इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे या लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिखावा कर रहे होते हैं कि मैं क्लास में हूँ, और थोड़ी देर के लिए आएंगे फिर वो नेट कनेक्शन का बता करके फिर वो गायब हो जाएंगे। तो अगर आपके पास 3 बार आप इसी अटेंडेंस शीट को डाउनलोड करोगे क्लिक करके, उससे क्या होगा कि आप वेरीफाई कर पाओगे कि कौन कितनी देर तक आपकी मीटिंग में था। इसीलिए एक स्टार्ट में करिए और एक रैंडमली करिए और एक एंड से थोड़ा पहले कर लीजिए। उससे क्या हो जाएगा कि आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन बीच में रह रहा है, कौन गायब हो जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि लोग स्टार्टिंग की मीटिंग में आपके आ गए, फिर वो धीरे से गायब हो गए, फिर बाद में लास्ट में वो ज्वाइन कर लिए ताकि वो अटेंडेंस मेंटेन रहे। इसीलिए एक रैंडम जरूर रखिए अटेंडेंस निकालने का बीच में, वो आपके वेरिफिकेशन कराएगा कि कौन जो है रेगुलर रह रहा है। मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया है तो बाय डिफॉल्ट वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए नीचे लिख के आने लगा ना, ये देखिए 1 फाइल डाउनलोडेड, ठीक है, इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा ये आप कॉपी कर सकते हैं, ज्वाइन इन्फो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, कॉपीड हो गया क्लिप बोर्ड में, आप यहाँ पे कहीं भी चैट में या कहीं भी चीज में ये लिंक किसी और को भी भेज सकते हैं। जैसे आपने यहीं पे पोस्ट कर दिया ये लिंक, ये देखिए मैंने पोस्ट कर दिया, एंटर कर दिया। अब इस लिंक को कोई क्लिक करके, ये ज्वाइन मीटिंग वाला लिंक को क्लिक करके लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको आप यहाँ चैट पे पेस्ट कर सकते हैं या कहीं कोई व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पेस्ट कर सकते हैं, किसी मेल पे पेस्ट करके भेज सकते हैं। तो जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है वो उस पर लिंक पे क्लिक करके आकर के आपकी मीटिंग को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन आता है वो ये हैंडल का हैंगअप का है। जब आपको मीटिंग खत्म करनी है आप इस हैंगअप वाले बटन को प्रेस करेंगे और मीटिंग हैंगअप हो जाएगी, ठीक है। इस मीटिंग को हैंगअप कर देते हैं क्योंकि मैं मुझे यही ऑप्शन बताना था कि कैसे आप इस चीज को करोगे, तो मैंने इसको हैंगअप कर दिया, क्लियर। तो ये अब हमारा खत्म हो गया, यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई कि हाँ ये इस तरीके से ये वर्क कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला था कि सपोज आप अपनी क्लास में ये जो कि पोस्ट वाले एरिया पे ये देखिए रिकॉर्डिंग जो है, कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर स्टोर हो रही है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, जनरली आपको 5-10 मिनट 15 मिनट रुकना पड़ेगा, कभी कभी टाइम ले सकता है। तो ये देखिए 41 सेकेंड्स के लिए हमने रिकॉर्ड किया था, यहाँ पर आ गया, यहाँ पे क्लिक करोगे तो अपले हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इसी क्लास के वॉल पे, ये देखिए क्लास है डेमो क्लास 12A, ये देखिए मेरा एरो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए इसी क्लास में ही आपके वॉल पे पड़ा हुआ है। तो इस क्लास में जो जो बच्चे हैं सबको ये दिखाई देगा, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, क्लियर। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे ऑप्शंस, तो मैं आपको ऑप्शंस दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो एक बार एक सेकंड के लिए मैं इसको आपको दिखाता हूँ इस ऑप्शन को। तो ये देखिए यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शंस आते हैं, एक तो फॉर्मेट का आता है, एक ही आता है पिन वाला ऑप्शन अटैच करने का। तो अगर आपको क्लास में कोई चीज नोट्स शेयर करना है तो आप इस पिन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। मैं दूसरे क्लास में ये देखिए आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे इस पे जैसे मैंने क्लिक किया है, देखिए रीसेंट ब्राउज टीम्स, मतलब अगर टीम में ही कोई नोट्स पड़ा हुआ है तो वो उठा के यहाँ से ला सकते हैं आप, वन ड्राइव से ला सकते हैं, और अपलोड फ्रॉम माई कंप्यूटर। मैं ज्यादातर सजेस्ट यही करूंगा क्योंकि ज्यादातर लोगों को अपने कंप्यूटर से ही फाइल बनाने का और पिक करके लाने का की आदत होती है, बच्चों को, टीचर्स को, दोनों को। तो आप इसी ऑप्शन ऑप्शन पे ज्यादा फोकस करिए सबसे पहले। तो अपलोड फ्रॉम माय कंप्यूटर पे मैंने क्लिक कर दिया और मैं कोई भी एक छोटी सी फाइल यहाँ से पिक कर लेता हूँ, मैं छोटी फाइल ही पिक करूंगा ताकि वो ज्यादा टाइम ना ले। देखिए मैंने AWS का एक नोट्स है, इसको उठाया मैंने और इसी क्लास को मुझे डालना है। मैं छोटी फाइल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो में दिखाने में टाइम लगेगा, अगर बड़ी फाइल में करूंगा तो ये अपलोड होने में 5-10 मिनट ले लेगी या फिर मे बी टाइम भी लग सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ अपलोड कर दिया, मैंने लिख दिया क्लास डाउनलोड, क्लास डाउनलोड दिस नोट्स एंड राइट इन योर कॉपी, मैंने लिख दिया। आप यहाँ से बच्चा डाउनलोड करके और अपनी क्लास में इसको नोट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए नीचे ये एरो वाला एक एरो आता है, इस पर जैसे आप टैप करेंगे ये आपके क्लास में अपने आप ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से करना चाहते हैं तो सिस्टमेटिक ढंग से करने का तरीका क्या है, ये देखिए ऊपर एक जनरल पोस्ट का ऑप्शन आता है, फिर फाइल्स का ऑप्शन आता है। फाइल्स पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी फाइल्स जो आपने अपलोड की है वो सब कुछ दिखाएगा डेट एंड टाइम के साथ। ये देखिए अभी आपने एक अपलोड किया ऑलरेडी फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन और भी होता है कि आप क्या करिए, देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू, अपलोड, सिंक, कॉपी, डाउनलोड, एड क्लाउड स्टोरेज। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो न्यू पे जाइए आप अगर सिस्टमेटिक करना चाहते हैं। सबसे पहले एक फोल्डर क्लिक करिए, एक फोल्डर बना लीजिए यहाँ पर, ठीक है। मैंने लिख दिया क्लास नोट्स फॉर, सपोज मैं जावा पढ़ाता हूँ तो मैंने, ये साइंस की क्लास है तो मैंने एटम पढ़ाया था, एटम की बात कर रहा था मैं लास्ट क्लास, एटम क्लास नोट्स फॉर।
क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, ओके यहाँ पे कुछ इनवैलिड कैरेक्टर आ रहा है, हो सकता है स्पेस की प्रॉब्लम आ रही हो, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एटम नोट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ क्रिएट पे, ये देखिए क्रिएट हो गया। ठीक है, तो वहां पे प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, क्योंकि कोई स्पेस या कोई चीज ऐड हो गई थी। तो सबसे बेटर है कि आप उसको ढूंढने के बजाय पूरे को डिलीट करिए, फिर से लिख दीजिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके कीबोर्ड से आप गलती से आपसे प्रेस हो जाए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरा नाम रिमूव करिए, फिर से लिखिए। ये देखिए एटम नोट्स आ गया। अब मैं इसको ओपन कर लूंगा और अब मैं क्या करूंगा, फाइल यहां पर डालूंगा। ठीक है, तो ये देखिए इसके न्यू के जस्ट बगल में अपलोड का ऑप्शन आता है, अपलोड पे आप क्लिक करिए और फिर यहां से आप साइबर नोट, सपोज इस नोट्स को मुझे डालना था, मैंने क्लिक कर दिया और ये नोट्स इसके अंदर अपलोड हो गया। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर, ये देखिए अपलोडेड वन फाइल, ये साइड में लिख के दिया जाएगा, ये देखिए इसके अंदर हो गया। अब ये सिस्टमैटिक हो गया। अगर आप यहाँ देखिए जनरल में जाएंगे इसके, तो जनरल में जाएंगे फाइल्स में, जब आप जाएंगे तो देखिए फाइल्स में वो फोल्डर बना होगा, फोल्डर के अंदर नोट्स होगा। ये देखिए पड़ा हुआ था, ये देखिए एटम्स में, अगर आप एटम नोट्स पर डबल क्लिक करेंगे तो उसके अंदर ये नोट्स पड़ा मिलेगा। तो ये आपको भी वैसे दिखाई देगा, बच्चों को भी यही दिखाई देगा, टीचर ने अपलोड किया। आप इसको परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए इसी नोट्स पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए तीन डॉट्स आते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड का भी ऑप्शन आता है, आपको भी आएगा, बच्चों को भी आएगा और डिलीट का भी ऑप्शन आता है। डिलीट का ऑप्शन आपके लिए आएगा, बच्चे इसको डिलीट नहीं कर सकते। अगर बच्चे का अकाउंट खुला होगा तो वो आने वाले वीडियोस में हम एक बच्चे के अकाउंट से भी लॉगिन करके देखेंगे कि बच्चों को किस तरीके से फीचर्स दिखाई देते हैं। और डिलीट का भी एक ऑप्शन आता है, ये आपके में आएगा, याद रखिएगा। टीचर में या जो मेन एडमिन है, जिसकी ये क्लास है, जिसने ये क्लास या टीम क्रिएट कर रखी है, उसी में ये ऑप्शन आएगा। उसके अलावा बच्चों में डिलीट का ऑप्शन नहीं आएगा। क्लियर? रीनेम का भी ऑप्शन आ सकता है, सो ऑन। बैक कर लीजिए, जनरल पे आ जाइए आप। ठीक है, इसके अलावा क्लास नोट्स का ऑप्शन आएगा, क्लास नोट्स का छोड़ दीजिए, क्लास नोट्स की जगह पर आप जो है क्लास के वॉल पे डाल दीजिए, ज्यादा बेटर है। उसके अलावा जो है आप असाइनमेंट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे अभी असाइनमेंट्स पे। ठीक है, तो असाइनमेंट्स में अगर हम जाएं, तो अगर असाइनमेंट्स की बात करें, तो इस वीडियो में मैं एक्चुअली ओवरऑल सब कुछ बेसिकली कवर कर रहा हूँ। ठीक है, असाइनमेंट्स का दो पार्ट है, एक पार्ट तो मैं आज बताऊंगा बेसिक असाइनमेंट वाला, और दूसरा जो पार्ट है, जो इसका मेजर पार्ट है, वो पूरा पूरा एक अलग से कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा मैं असाइनमेंट्स पे। अभी मैं आपको बेसिकली बता दे रहा हूँ असाइनमेंट कैसे क्रिएट करेंगे। देखिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, अगर पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पर एक क्रिएट की बटन आएगी, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद अब ये पूछेगा आपसे कि असाइनमेंट बनाना है, क्विज बनाना है या फ्रॉम एग्जिस्टिंग, कोई पहले से आप बना रखें उसको यूज करना है, तो हमको नया बनाना है। मैं क्या करूंगा, असाइनमेंट्स पे क्लिक करूंगा सबसे पहले। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्लिक कर दें, अब ये देखिए यहाँ पर सब कुछ खुल के आ गया, न्यू असाइनमेंट। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक बटन बन के आ रही है, डिस्कार्ड सेव, और असाइन वाली बटन अभी डिसेबल्ड है। तो अब यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। सपोज ये मेरे क्लास साइंस है, मैंने लिख दिया यहाँ पर एटम असाइनमेंट फर्स्ट, ये मेरा पहला असाइनमेंट है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन लिख दिया मैंने कि आंसर ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, और अब ये देखिए उसके जस्ट नीचे लिख करके आता है एड रिसोर्स। ठीक है, एड रिसोर्स पे अगर आप क्लिक करेंगे, एड रिसोर्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे, तो ये आपको एड रिसोर्स, मतलब कोई जो आपने असाइनमेंट बना रखा है वो यहाँ पर एड करने के लिए आपसे ऑप्शन देगा। तो देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आते हैं, तो आप यहाँ से देखिए ड्राइव का भी ऑप्शन आता है आपके पास। ठीक है, लिंक का भी आ रहा है, न्यू फाइल का भी आ रहा है, टीम से भी आ रहा है, कहीं और से लाना चाहें आप। तो आप सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो आप करोगे अपलोड फ्रॉम डिवाइस, वही वाला जो कंप्यूटर से आपने बना रखा है। तो सपोज उस कंप्यूटर पे मैंने एक असाइनमेंट बना रखा है कोई, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा उसी असाइनमेंट को यहाँ पर पिक कर लूंगा। तो मैं यहाँ पर भी एक छोटी फाइल को ही अपलोड कर रहा हूँ, सपोज मैंने यही साइबर वाला ही बना रखा है इसको, और इस पर क्लिक कर दिया मैंने। ये देखिए साइबर नोट्स डॉट टी एक्स टी करके ये अपलोडिंग आ गया, ये देखिए पूरा अपलोड हो गया, और यहाँ डन पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं डन पे क्लिक करूंगा, ये देखिए यहाँ पर वो फाइल अपलोड हो गई। ठीक है, आप जो भी वर्ड की फाइल बना रखे हैं, एक्सेल की फाइल बना रखे हैं, मैंने तो टेक्स्ट फाइल किया है, आप वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट कोई भी फाइल यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि भी आप नोटपैड की फाइल करें, आपने जिसमें भी वो नोट्स बनाया आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके देख भी सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे यहीं पे खुल जाएगा वो फाइल। ठीक है, तो आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगी फाइल, आप देख सकते हैं उसमें क्या क्या है, आप एडिटिंग कर सकते हैं क्योंकि आप सुपर यूजर है, मतलब आप ही मेन यूजर है उसके। ठीक है, तो ये देखिए आपको सब कुछ दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है, क्लियर? तो ये नोट्स आपको दिख रहा है, आप यहाँ से चाहें तो क्लोज भी कर सकते हैं इसको, और अगर आपको ना समझ में आए
तो आप इस रिसोर्स पे ये देखिए राइट साइड में जाएंगे आप, तो यहाँ पर ये थ्री डॉट्स का ऑप्शन आता है, ये देखिए रिमूव का भी ऑप्शन आता है, डाउनलोड का भी ऑप्शन आता है, ओपन का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। तो आप रिमूव भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि फाइल गलत हो गई है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आप रिमूव करके फिर से ऐड कर सकते हैं, ठीक। आप रिमूव बटन पर क्लिक करेंगे और ऐड रिसोर्स पर क्लिक करके फिर से ऐड कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से फॉरवर्ड करके देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फिर कैसे मैंने ऐड किया था। अगर आपको एक से ज्यादा रिसोर्स है तो आप फिर से ऐड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और फिर से वही अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर और फिर एक और दूसरी फाइल। जैसे एक से ज्यादा अगर आप असाइनमेंट दे रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। देखो मैंने पिछला वाला वो किया था, AWS नोट्स वाला मैं कर रहा हूँ, इसको अपलोड कर रहा हूँ, इसको भी डन कर दिया मैंने। ये देखिए साइबर नोट्स AWS, ये मतलब नोट्स वाला मैंने वो कर रखा है, बट बाय डिफॉल्ट ये आपका असाइनमेंट है, आपको इस महीने की फाइल वहाँ पे कैसे ऐड होगी, ठीक है। इसके अलावा आप नीचे चलते हैं, आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा अगर आप कोई मार्क्स वार्क्स वाला सिस्टम इसमें रखना चाहते हैं, पॉइंट्स है, सपोज कि आउट ऑफ 50 है तो आप यहाँ 50 मेंशन कर सकते हो कि आउट ऑफ 50 पॉइंट्स इसमें से मार्किंग की जाएगी। अब आपको ये देखना है कि असाइन टू किसको असाइन किया गया है, ये ध्यान जरूर रखिएगा कि किस क्लास को ये आपको असाइनमेंट असाइन करना है। ऐसा ना हो कि आप किसी और क्लास को असाइन कर दें। अगर यहाँ आप साइड में टैप करेंगे तो आपको सारी क्लासेस आपके दिखाई देंगी, ये देखिए साइड में सब दिखने लगे। आप जिस क्लास को भी चाहें यहाँ से सेलेक्ट करके असाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने क्लास 12A डेमो वाले को किया है, ठीक है। और आपको यहाँ पर भी चेक करना है कि क्या आप इंडिविजुअल स्टूडेंट को कर रहे हैं या सारे स्टूडेंट्स को कर रहे हैं। आप इंडिविजुअल को भी कर सकते हैं, याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट ऑल स्टूडेंट सिलेक्टेड रहेगा, लेकिन आप चाहें तो कुछ नामों को सिलेक्ट करके उनको भी असाइनमेंट दे सकते हैं, ठीक ठीक है। असाइन वाले के नीचे देखिए एक आता है डू नॉट असाइन द स्टूडेंट आइडेंटिटी इन फ्यूचर, एडिट कर सकते हैं आप इसको, ठीक है ठीक है। तो अब आपने एडिट की परमिशन नहीं दी हुई, याद रखिएगा, ये देखिए लिखा हुआ है डोंट असाइन टू स्टूडेंट्स एडेड टू दिस क्लास इन फ्यूचर, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन है इसका मतलब ये है कि जो फ्यूचर में स्टूडेंट्स आएंगे उनको ये असाइनमेंट नहीं असाइन होगा, ठीक है। आप चाहें तो उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन इस फीचर की भी हम बात नहीं करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ एक और देखने वाली है वो ये है ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब ये होता है कि किस डेट को आप चाहते हो कि असाइनमेंट आपका जो है लास्ट, मतलब जो है ड्यू डेट हो कि भैया कब तक सबमिट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ 26 सेलेक्टेड है, आप जो चाहें, कैलेंडर है, यहाँ से क्लिक करिए, आप जहाँ चाहें उसको कर सकते हैं। जैसे मैं आज असाइन कर रहा हूँ, कल का है, आप चाहते हैं कि नहीं 2 दिन बाद का हो, 28 को बच्चा सबमिट करे लास्ट डेट, टाइम 11:00, मैंने 11:59 PM लिखा हुआ है, आप कुछ भी यहाँ पे टाइम भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसके बाद इसके नीचे ड्यू डेट के नीचे एक देखिए चीज लिखी होती है, असाइनमेंट विल पोस्ट इमीडिएटली विथ लेट टर्नड इन अलाउड। लेट टर्नड इन अलाउड का मतलब क्या है, मतलब इस पर्टिकुलर ड्यू डेट के बाद भी लोग इसको अपलोड कर सकते हैं, मतलब असाइनमेंट उसके बाद भी डाल सकते हैं। आप चाहें कि नहीं, इस ड्यू डेट के बाद बच्चा असाइन नहीं कर सकता है, तो आप क्या करोगे, इसको चेंज कर दोगे, पोस्ट डेट और ड्यू डेट सेम कर दीजिए। पोस्ट डेट ये देखिए अभी टाइम और उसका टाइम दिखाएगा आपका, पोस्टेड टाइम दिखा देगा आपका कि कब पोस्ट होना है, याद रखिएगा कि मतलब किस दिन आपको इसको पोस्ट करना है। तो ये देखिए 26 जुलाई, मतलब कल संडे को 9 बजे सुबह ये पोस्ट हो जाएगा, और 28 तारीख को लास्ट होगा जब वो सबमिट कर सकता है बच्चा, ध्यान रखिएगा। किस दिन क्लास में पोस्ट होगा, कल सुबह, ठीक है, आज 25 तारीख है, रात का टाइम हो रहा है, 10:10 हो रहा है, कल ये पोस्ट होगा सुबह 9 बजे, और बच्चे को लास्ट जो असाइन वो कर सकता है वो 28 तारीख को वो कर सकता है। अब ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन और आने लगा, पहले नहीं आ रहा था, क्लोज डेट। तो अगर आपने क्लोज डेट को भी अगर सेम कर दिया ड्यू डेट के लिए और डन कर दिया, तो फिर वो लेट टर्नड इन अलाउड नहीं होगा। अगर आपने क्लोज डेट को यहाँ सेलेक्ट कर लिया और डन पे क्लिक कर दिया, तो वो ऑप्शन खत्म हो जाएगा, बच्चा अब उसके बाद नहीं कर पाएगा। देखिए अब यहाँ पे लिखा रहा है असाइनमेंट विल पोस्ट इमीडिएटली विथ लेट टर्नड इन नॉट अलाउड, पहले ये लेट टर्नड इन अलाउड आ रहा था, मतलब कि बच्चा 28 तारीख के इस पर्टिकुलर टाइम के बाद भी असाइन कर सकता था पहले, लेकिन जैसे ही आपने क्लोजिंग टाइम और ड्यू डेट ये दोनों एक कर दिया, तो लेट टर्नड इन अलाउड बंद हो गया। मतलब जैसे ही 11:59 PM होगा, रात के 11:00 11:59 हो जाएगा, पीएम हो जाएगा 28 तारीख को, वैसे ही ये क्लोज हो जाएगा इस असाइनमेंट को, दोबारा बच्चा इस पे अपना असाइनमेंट वापस आपको नहीं कर पाएगा, ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम के बाद वो आपको वापस नहीं कर सकता रिटर्न, ठीक है, वो असाइनमेंट को सबमिट नहीं कर सकता। जैसे होता है ना क्लास में आप या कहीं पर आप एक डेडलाइन देते हो, तो ये डेडलाइन है, इसके बाद नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, दो चीजें, अगर आप चाहते हो कि ये असाइनमेंट अभी असाइन हो जाए, जो टाइम डेट और आपने चीजें लगा रखी उसके अकॉर्डिंग, मतलब कल मॉर्निंग में,
आप यहाँ असाइन पे क्लिक करेंगे, और अगर आप फ्यूचर के लिए करना चाहते हैं तो आप इसको सेव करके रख सकते हैं, और आपको नहीं समझना तो डिस्कार्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्लास को ये असाइन हो जाए मेरे टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब कल मॉर्निंग में असाइन हो जाए जैसा कि मैंने उसमें सेट किया है। तो आप असाइन पे क्लिक कर देंगे और आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। ये देखिए सामने दिख गया, आपने असाइन कर दिया है, ड्यू डेट 28 तारीख है। इसी तरीके से बिल्कुल बच्चों को भी दिखेगा उनके स्क्रीन पे जब वो असाइनमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्लास के वॉल पे जाइए और यहाँ पर ये देखिए ऊपर नोटिफिकेशन आ गया है। आप क्लास के वॉल पे जाइए, देखिए क्लास के वॉल पे भी अपने आप लिख करके आने लगा कि भैया ये असाइनमेंट दिया हुआ है, 28 तारीख को ड्यू डेट है। व्यू पे बच्चा क्लिक करेगा, सीधा वहां पहुंच जाएगा, असाइनमेंट देखेगा और उसके बाद उसको करेगा। तो आने वाले वीडियोस में हम ये देखेंगे कि बच्चा कैसे उसको असाइन करके करके आपको जब रिटर्न करेगा तो आपको कैसे दिखाई देगा कि किसने सबमिट किया है, किसने नहीं किया है, कितने लोगों ने किया है, वो सारी चीजें, सारी रिपोर्ट्स वहां से दी जाएंगी। ठीक है, तो अभी एज अ टीचर एंड आपको ये चीज क्लियर हो गई है, या एज अ क्लास ओनर या एज अ टीम ओनर आपको प्रोजेक्ट या अपना असाइनमेंट कैसे असाइन करना है ये समझ में आ गया है। क्लास में कैसे पोस्ट करते हैं, एक चीज और रह गई है कि क्लास में अगर सपोज मुझे कोई वीडियो या किसी वीडियो का URL देना है तो मुझे क्या करना होगा। सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं चला गया यूट्यूब पे और सपोज मैं अपने चैनल पे ही चला जाता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर टेक्निकल APS, मैंने लिखा टेक्निकल APS और ये आ गया मेरा, सर्च करने पे ये आ गया मेरा चैनल, मैंने चैनल पे चला गया मैं और ये देखिए मेरी कोई वीडियो, मैंने इसी वीडियो पे क्लिक कर दिया सपोज अपने, ठीक है, इसी वीडियो को मैंने ओपन कर लिया और मुझे इसी वीडियो का लिंक देना है। तो मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, कॉपी वीडियो URL ऑप्शन आता है, कॉपी वीडियो URL पे जाके क्लिक करूंगा, फिर वापस आऊंगा अपने टीम के क्लास पे और यहाँ पर आकर के मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही लिंक आप पेस्ट करेंगे ये देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आता है, इसको आप देखिए अपने आप वो YouTube वाला वो फेच कर लेगा और आप इसको क्लास को असाइन कर दो। ठीक है, और आप यहाँ पे नीचे चाहो तो लिख सकते हो वॉच दिस वीडियो एंड वी विल हैव अ क्विज सेशन सून। ठीक है, वी विल हैव अ क्विज सेशन सून, तो हम क्विज सेशन इसका सून जल्दी ही आप क्विज का सेशन आपसे करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब बच्चा क्या करेगा, जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेगा, देखिए आप भी क्लिक करके टेस्ट कर सकते हो कि आपका लिंक सही है कि नहीं, सही काम कर रहा है कि नहीं, ये बेटर है, ये एक मेरी तरफ से एडवाइस है। जब भी कोई नोट्स डालिए, कोई वीडियो डालिए, कोई लिंक डालिए, उसको एक बार खुद वेरीफाई कर लीजिए कि जो आपने डाला है कि सही है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप एडमिन हैं, आप टीचर हैं, आप हो सकता हो कि इस टीम के ओनर हो इन कंपनी में, तो आपके पास पावर है सारी चीज कर पाने के लिए। ठीक है, अभी आपके पास पावर है, आप डिलीट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। एक बार बच्चा देख लेगा फिर आएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम ये होगी कि आपको लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है। देखिए फिर ये वीडियो चल रहा है, प्रॉपर है, आगे बढ़ा लेते हैं। ये देखिए टॉपिक भी देख लीजिए, नीचे वही है, ऑल बेसिक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वाला मोबाइल वाला जो हमने यहाँ से उठाया था। अगर यहाँ पे आप जा देखें, ये देखिए सेम चीज़ है जिसका लिंक हमने डाला था, हमने वेरीफाई, ये हमारा वेरीफाई हो गया कि सही है, हमने इसको भी क्लोज कर दिया, हमने चाहा तो यहाँ से भी क्लोज कर दिया। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर। तो मैंने आपको बता दिया कि वीडियो का लिंक कैसे आप शेयर करेंगे। मैं वैसे भी सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को डायरेक्ट अपलोड करने के बजाय वीडियो को यूट्यूब या कहीं किसी जगह पर अपलोड करके उसका लिंक शेयर करिए क्लास। ठीक है, या किसी जगह पर रख करके, उससे क्या होता है कि जो इजीली आप क्लास में, पहली चीज तो वीडियो को अपलोड कर पाएंगे, दूसरा प्रोसेसिंग फास्ट होगी। कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बच्चों की भी प्रॉब्लम आ रही थी कि असाइनमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही थी। असाइनमेंट को जब भी आप अपलोड करिए फाइल को कंप्रेस कर दीजिए। ठीक है, कंप्रेस करने के लिए मैं आपको एक तरीका सिंपल बता देता हूँ कि सिंपली आप क्या करिए कि आप यहाँ पे जाइए, आप लिख दीजिए ऑनलाइन, ब्राउजर में लिखिए ऑनलाइन फाइल कंप्रेशन। अगर PDF में, ज्यादातर PDF के फॉर्म में बोला गया है आप लोग को अपलोड करने के लिए, तो आप लिख दीजिए, ये देखिए सिर्फ मैंने लिखा ऑनलाइन फाइल कंप्रेशन ब्राउजर पे, ये देखिए अपने आप आ गया कंप्रेस PDF, वर्ड, एक्सेल, JPG, इमेज, हर तरीके की फाइल को आप कंप्रेस कर सकते हो। यहाँ आप इसको ओपन करोगे और यहाँ पे सिंपली एक फाइल अपलोड करने का ऑप्शन होता है, इस पर बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत ईजी है ये। आप इस किसी भी लिंक को आप ओपन कर लीजिए, ये सारे फ्री होते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए ड्रैग ड्रॉप करने को फाइल आपको कह रहा है, फिर आपसे वो नेक्स्ट करके बस आपको वो कहेगा कि आप इस फाइल को कंप्रेस कर लो। ठीक है, तो आप यहाँ से क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे ड्रॉप भी कर सकते हो, इस प्लस साइन पे अगर आप क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये आपका सिस्टम ओपन कर देगा। तो आपने कोई भी फाइल उठाया, उसको कंप्रेस कर लिया, मैंने क्या किया कि यही वाली फाइल उठा ली, वर्ड वाली, IAM यूजर वाली, इसको क्लिक किया मैंने, अपलोड कर दिया।
धीरे धीरे ये अपलोड हो जाएगा। जैसे अपलोड हो जाएगा आपको कंप्रेस करने के लिए कहेगा, कंप्रेस करने के बाद डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, ये देखिए 100% ये अपलोड हो गया है। ठीक है, तो कुकीज वाला गॉट इट कर देता हूं मैं। ये देखिए जैसे ही वो हो जाएगा, अब ये देखिए आपकी फाइल को कंप्रेसिंग चालू कर दिया है अपलोड करते ही। देखिए कंप्रेसिंग की फाइल, बाद में आपको डाउनलोड का एक लिंक दे देगा, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, आपका सिस्टम पे फाइल डाउनलोड होकर के नीचे आ जाएगी। क्लियर? तो आई होप कि ज्यादातर लोगों को ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा कंप्रेशन वाला। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है, यहीं पर एक डाउनलोड का लिंक आ जाएगा, उस पर आप डाउनलोड पे क्लिक करिएगा, वो हो जाएगा। अगर ये डाउनलोडिंग वाला या कंप्रेशन वाला नहीं समझ में आए तो कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे फाइल्स को कंप्रेस करके आप कंप्रेस करके डाउनलोड कर लीजिए, फिर अपने टीम में अपलोड कर दीजिए असाइनमेंट। ठीक है, तो इससे हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए, आपको ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपकी कि मैं हम बारी साइज फाइल की ज्यादा हो जाती है, हम अपलोड करते हैं तो नहीं हो पाता असाइनमेंट, ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। थैंक यू क्लास। ठीक है, सो स्टॉप करते हैं इस वीडियो को, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने दिखा रहा था कि इसको थोड़ा टाइम आउट लग गया है। ठीक है, ट्राई अनदर फाइल। तो अब ये क्योंकि फाइल बहुत ज्यादा छोटी थी ऑलरेडी, तो ये रिड्यूस नहीं की जा सकती, तो आपकी साइज इससे ज्यादा होगी फाइल की। ये मैंने जो फाइल सेलेक्ट की थी ये बहुत छोटे साइज की थी ऑलरेडी। ठीक है, आप बड़ी साइज की फाइल सेलेक्ट करोगे तो ये हो जाएगा। अगर आपको कंप्रेशन वाला नहीं समझ में आया होगा तो आप जरूर बताइएगा मुझे कमेंट में, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कि आप किसी तरह के वर्ड की फाइल को एक्सेल में मतलब कैसे कन्वर्ट करोगे या उसको कैसे कंप्रेस करके फिर अपलोड करोगे। ठीक, तो आज हमने जो कवर किया वो ओवरऑल असाइनमेंट्स के ऊपर कवर किया, असाइनमेंट कैसे बनाएंगे, मीटिंग्स को कैसे शेड्यूल करेंगे, मीटिंग्स में कैसे लोगों को लाएंगे, कैसे अटेंडेंस को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, ओवरऑल मैंने ये सारी चीजें बता दी जो एज अ टीचर या एज अ टीम ओनर आप करोगे। तो ये सारी चीजें सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है वीडियो में, कहीं चीज कोई नहीं समझ में आई हो तो जरूर पूछिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी एक छोटी सी हेल्प उनके लिए बहुत फ्रूटफुल हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उन तक ये वीडियो रीच कराइए, ताकि वो कमेंट्स में या किसी चीज में अपनी प्रॉब्लम्स को, क्वेरीज को पूछ सकें। ठीक है, इस टाइम पे उनकी हेल्प करिए। थैंक यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।